क्या आपको पता है कि डायनासोर अगर आज जिंदा होते तो इंसानों का क्या होता? क्या इंसान डायनासोर को कंट्रोल कर लेते या फिर डायनासोर इंसानों को खा जाते? और क्या आपको पता है कि टायरानोसॉरस रेक्स के फेदर्स थे कि नहीं? साइंटिस्ट बहुत सारे डिस्कशन होती है कि टीरेक्स के फेदर्स थे कि नहीं, तो आज की वीडियो में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग डायनासोर फैक्ट्स इन हिंदी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस डायनासोर के अंडे सबसे ज़्यादा बड़े थे? शायद से आपका जवाब हो सकता है अर्जेंटिनोसॉरस, मगर अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे थे भी ज़्यादा बड़े। किसी और डायनासोर के अंडे आते थे जिसका नाम है जाइगेंटोरैप्टर। इसके अंडे का साइज आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। और जाइगेंटोरैप्टर बहुत अच्छे पेरेंट्स होते थे, इसलिए हमें जाइगेंटोरैप्टर का एक फॉसिल भी मिला है जिसके अंदर वो अंडों की रक्षा कर रहा था। एक ऐसा भी डायनासोर था जिसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मगर उसके ब्रेन का साइज एक पीनट जितना आता था। उस डायनासोर का नाम है स्टेगोसॉरस। इसका ब्रेन बहुत छोटा आता था, फिर भी ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली डायनासोर थे। सबसे पहला डायनासोर कौन सा डिस्कवर हुआ था? उस डायनासोर का नाम है मेगलोसॉरस। मगर आज जैसा हम मेगलोसॉरस को इमेजिन करते हैं वैसा वो पहले नहीं दिखता था। पहले आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक चिपकली टाइप दिखता था। प्री हिस्टोरिक टाइम में सबसे बड़ा मरीन रेप्टाइल कौन सा था? उस मरीन रेप्टाइल का नाम है ट्राइलोसॉरस। ट्राइलोसॉरस मोजोसॉरस की स्पीशीज का एक रेप्टाइल था। इसके साइज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड के अंदर जो मोजोसॉरस आता है असल में वही ट्राइलोसॉरस ही रहता है। सबसे पहला पक्षी डायनासोर कौन सा था? उस डायनासोर का नाम है आर्कियोपेक्ट्रिस, जो कि आधा डायनासोर था और आधा पक्षी। आपने कई सारी वीडियो में ऐसा सुना होगा कि टायरानोसॉरस रेक्स और स्पाइनोसॉरस आपस में जब लड़ते थे ज़मीन कांप उठती थी, स्पाइनोसॉरस लड़ते थे तो ऐसा होता था वैसा होता था। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि स्पाइनोसॉरस और टीरेक्स कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। टीरेक्स नॉर्थ अमेरिका में रहता था और स्पाइनोसॉरस अफ्रीका में, और दोनों एक टाइम लाइन में भी नहीं रहते थे, तो इन दोनों की लड़ाई तो इम्पॉसिबल थी। हमें डायनासोर का सबसे सुरक्षित फॉसिल कौन सा मिला है? उस डायनासोर का नाम है नूडोसॉरस। आप देख सकते हैं कि इसके अभी आर्मर और इसकी हड्डी सब दिख रही है हमें, मतलब सही से इसका डिज़ाइन भी दिख रहा है। हमें एक ऐसा डायनासोर मिला है जिसके हमें फेदर्स का कलर मालूम है, और उस डायनासोर का नाम है साइनोनिथोसॉरस। आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं साइनोनिथोसॉरस कैसा दिखता था। क्या टायरानोसॉरस रेक्स के फेदर्स थे कि नहीं? देखिए, तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं टायरानोसॉरस के फेदर्स थे कि नहीं। पहली ये कि बच्चा में फेदर्स होते थे, जो टायरानोसॉरस का जो बच्चा था उसके अंदर फेदर्स होते थे। दूसरी ये कि फुल्ली फेदर था टायरानोसॉरस रेक्स, फुल्ली फेदर था। और तीसरी ये कि टायरानोसॉरस रेक्स कुछ कुछ जगह ही फेदर्स होते थे, कुछ कुछ जगह, पूरी बॉडी में नहीं रहते थे। सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है तीसरी वाली, जिसके अंदर कुछ कुछ जगह ही फेदर्स होते थे, क्योंकि टायरानोसॉरस की एक स्केल मिली है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक स्केली स्किन भी मिली है, तो इसलिए तीसरी पॉसिबिलिटी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्या आज डायनासोर होते तो क्या होता इंसानों का? क्या इंसान डायनासोर को काबू कर लेते या डायनासोर इंसान को खा? टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कर दिए तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर डायनासोर आज अलाइव होते तो इंसानों का क्या होता। तो वीडियो से लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।